पुलिस विभाग द्वारा राज ठाकरे की सभा को हरी झंडी मिलने के बाद अब रैली की तैयारियां शुरू हुई, साथ ही भव्य मंडप की तैयारियां भी शुरू हो गई है। मनसे के वरिष्ठ नेता दिलीप धोत्रे ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैठक में 1 लाख से अधिक नागरिक शामिल होंगे। मैदान में महिलाओं के बैठने की जगह और बुजुर्गों के लिए विशेष बैठने की जगह है। उन्होंने बताया कि सभा पुलिस प्रशासन द्वारा दिए गए नियम व शर्तों के अनुसार होगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वरिष्ठ नेता आज सुबह से ही बैठक की तैयारी कर रहे हैं और हजारों कार्यकर्ता इसके लिए काम कर रहे हैं। बैठक में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मनसे द्वारा कहा गया है। तैयारी बदल काही अडचण नाही, प्रचंड मोठ्या प्रमाणात उत्साह आहे। निश्चितपणे आमचं उद्यापर्यंत हे सगळे वासपीठ आणि सगळं जी पूर्ण आमची सभेच्या ठिकाणची सगळी तयारी होऊन जाईल, काही अडचण नाही। या सभेला लाखोचा जनसमुदाय येणार आहे, त्यामुळं ही सभा प्रचंड मोठी आणि रेकॉर्ड ब्रेक होणार आहे। सर, लाखोचा जनसमुदाय येणार आहे, पण त्यांच्या वाहनाची पार्किंग वगैरे काही व्यवस्था सगळी व्यवस्था केलेली आहे। पार्किंगची व्यवस्था काय आम्ही स्पॉट ठरवले आहेत 5-6 ठिकाणी, त्या त्या ठिकाणी पार्किंगची देखील व्यवस्था केली आहे। पोलीस प्रशासनाने आम्हाला ज्या ज्या ठिकाणी पार्किंगची जागा दिली त्या त्या ठिकाणी पार्किंग केलं जाईल। आवाजाचे काही मर्यादा ठेवण्यास सांगितलेलं आहे आणि तेवढ्या आवाजामध्ये ऐकू सुद्धा येणार नाही ना, उद्या आता सभेच्या वेळेस कळेल आपल्याला। काय शर्ती अटी दिल्या काही सांगू शकता का सर? त्यांनी अटी दिलेल्या आहेत, त्या अटींचं आम्ही जास्तीत जास्त पालन करण्याचा प्रयत्न करू। निश्चितपणे पोलीस प्रशासनाला आम्ही या ठिकाणी सहकार्य करू। लव्ह यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।